सिद्धार्थ गौतम के घर में धान की खेती होती थी। धान पूरे कपिल वस्तु में एक बहुत महत्वपूर्ण पूरे उस क्षेत्र में फसल थी, मगर सिद्धार्थ गौतम ने धान की फसल नहीं उगाई, धान की खेती नहीं की, क्योंकि वो खेतिया लोग थे। खेतियों को बाद में क्षेत्रीय बोला गया, क्षेत्रीय बोला गया, क्षत्रिय बोला गया। उन्होंने भी खेती की पूरी जिंदगी 45 साल तक, 6 साल तक खेती सीखी और 45 साल पूरी जीवन भर उन्होंने खेती की, मगर मन की खेती की, मन की, चैतसिक गुणों की, चैत की, चैत्य की। ये जो मन की खेती होती है, इसी मन की खेती को करने के लिए बाबा साहब ने बोला। क्या कहते हैं बाबा साहब? कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी, मस्ट बी होता तो और भी ज्यादा अच्छा था, कंपल्सरी हो जाता, मगर शुड बी बोला है, शुड बी द फर्स्ट एम, द अल्टीमेट एम, द ओनली एम होना चाहिए। तो कल्टीवेशन ऑफ माइंड जो होता है, कल्टीवेट बोलते हैं खेती करने को, उगाने को, उत्पन्न करने को, पैदा करने को। कल्टीवेशन ऑफ माइंड यानी कि माइंड का, मन का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो माइंड को और ब्रेन को एक ही समझते हैं, मन को और मस्तिष्क को, या मन को और दिमाग को, या मन को और मथे को, मथक को, माथे को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। ये बात जितनी जल्दी जिसको समझ में आ जाती है, उसका मन की खेती, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, उतनी जल्दी होना शुरू हो जाता है। भारत के अंदर जो बिना शब्द ज्ञान वाले लोग हैं, जिन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं देखे हैं, उनकी तो बात ही क्या, जो डॉक्टर भी हैं उनको भी ये नहीं पता कि मन और मस्तिष्क अलग अलग होते हैं। मन होता है जो भगवान बुद्ध ने खोजा, डिस्कवर किया, इस नेचर से बाहर निकाला, जिसको हम ह्यूमन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो मस्तिष्क होता है वो ह्यूमन का प्रोसेसर होता है, यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क। सारी भाषाओं में उर्दू के अंदर इसको नफ्सियात बोलते हैं, नफ्सियात यानी माइंड, और दिमाग बोलते हैं मस्तिष्क को, मथे को, ब्रेन को। तो इन दोनों शब्दों का अच्छी तरह से मतलब समझ लें कि यहां जो खेती होनी है वो मन की होनी है, मस्तिष्क की नहीं होनी है, मथे की नहीं होनी है, दिमाग की नहीं होनी है, ब्रेन की नहीं होनी है। क्योंकि आपका जो ये मोबाइल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या जो कंप्यूटर है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें दो चीजें हैं। एक तो उसका प्रोसेसर है, उसकी चिप है, जिसको माइक्रोचिप बोलते हैं, ये ब्रेन होता है उसका। और एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर से ये चलता है। ऐसे ही सारे प्राणियों का एक सॉफ्टवेयर होता है जो भगवान बुद्ध ने खोजा, जिसको मन कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर को परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है, और उसे डेवलप करना है, उसे बढ़ाना है, और उसकी सारी क्षमता को इस्तेमाल करना है, अगर आजाद होना है, अगर जीवन का मजा लेना है, अगर आजादी का आनंद लेना है, अगर इस जीवन का असली रूप देखना है, अगर आपने अभावों से ग्रस्त जीवन को जूता मारना है, तो मन का खेती, मन की कल्टीवेशन करना जरूरी है। जितने भी संत पुरुष हुए हैं, या महान पुरुष हुए हैं, या अच्छे ज्ञानी हुए हैं, चाहे वो कॉलेज गए या ना गए हों, उन्होंने सारी बातें मन के ऊपर कही हैं। आपको कहीं भी मस्तिष्क के ऊपर या ब्रेन के ऊपर कोई बात नहीं मिलेगी, क्योंकि मस्तिष्क और ब्रेन हार्डवेयर होता है, शरीर का हिस्सा होता है, मन का हिस्सा नहीं होता है। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो सतपुरुष हैं, संत हैं, गुरुजी रविदास जी, उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मस्तिष्क चंगा या मत्था चंगा या ब्रेन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा नहीं कहा, मन है। पुराने जो कबीर दास हैं, जो कबीर जी हैं, जो उन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन के ऊपर कितने सारे उनके दोहे हैं। यानी मन हारेगा तो हार जाओगे और मन जीतेगा तो जीत जाओगे, इसका मस्तिष्क से और ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मस्तिष्क हारेगा भी नहीं और जीतेगा भी नहीं, वो तो जस्ट एक मशीन है, टूल है, शरीर का अंग है, पार्ट है, ऑर्गन है। तो कैसे इसको खेती करने और कहाँ खेती करें और कब करें, सबसे पहले ये समझें कि खेती क्यों करें। मस्तिष्क की खेती नहीं करनी है, मन की खेती करनी है, तो मन की खेती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों सब कहते हैं कि मन की खेती करो, मन को उगाओ, मन को बढ़ाओ। क्योंकि किसी ने आपके मन को
दबाया हुआ है, किसी ने आपके मन को खत्म किया हुआ है, किसी ने आपके मन को मारा हुआ है, आपका मन मुरझाया हुआ है, आपका मन खराब हुआ पड़ा है, आपका मन खट्टा हुआ पड़ा है, आपका मन बिल्कुल छोटा हुआ पड़ा है, आपका मन बिल्कुल मरा मरा सा मुरझाया सा रहता है। इसलिए मन की खेती करके ताकि फसल उसमें लहरलाए और आप उसमें आनंदित रहें, सुखी रहें। सुखी रहने के लिए मन की खेती करनी है। बुद्ध का जो सबसे पहला वाक्य है जो धम्मपद में आता है वो कहते हैं मनोसेठा। मनोसेठा का मतलब है कि मन श्रेष्ठ है, सभी चीजों में मन सबसे सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। यानी धम्मपद का पहला ही जो पद है वो इतना इंपॉर्टेंट है, दो पद एक साथ हैं जिसमें वो बताते हैं कि मन से अगर आप काम करेंगे या मन से बोलेंगे तो किस तरह से इसके परिणाम आएंगे, और मन अच्छा होगा तो कैसे परिणाम आएंगे और मन खराब होगा तो कैसे परिणाम आएंगे, ये स्पष्ट वो उसको बताते हैं। यानी कि मन इतना इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के अगर मारना हो, हत्या करनी हो तो उसके मन को मार दीजिए, फिर आपको उसका गला काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको आपने मन से दबा दिया वो जीवन भर दबा रहेगा, जिस महिला को आपने मन मार दिया वो जीवन भर आप ही गुलाम रहेगी, जिस बच्चे के मन को आपने मार दिया वो जीवन भर उठ नहीं सकता, जिस समाज के मन को मार दिया फिर वो समाज जीवन भर दबा रहेगा। तो मन, इसलिए मन को कल्टीवेट करना है, बढ़ाना है, इसको उगाना है, इसको हेल्दी रखना है, ये इसकी आवश्यकता है। तो इसको कहाँ करना है? इसको हर जगह करना है, क्योंकि मन आपके साथ हमेशा 24 घंटे रहता है। इसको कैसे करना है, कैसे करना है, इसका बहुत आसान और बहुत सरल तरीका है। इसके लिए आपको अक्षर ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने की या कहीं कोई अक्षर पढ़ने की या किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे मन के अनुभव आपके साथ रहते हैं, मन आपके साथ रहता है 24 घंटे, जब से बच्चा पैदा होता है, जब से प्राणी पैदा होता है, जब तक वो मरता है तब तक मन साथ रहता है, और मरने के बाद भी मन ही बाहर जाता है। ये अलग प्रोसेस है जो मैंने कई बार बताया है, फिर मैं आपको बता दूंगा, चाहे तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो कैसे करना है और कहां करना है, तो 24 घंटे करना है और कैसे करना है। कैसे करने का आप समझे कि इसका सबसे पहले इसका बीज चाहिए, यानी कि बीज होगा तो ये मन पैदा होगा। बीज क्या है? बीज ये है कि आपके अंदर जीने की ललक होनी चाहिए, जीने की लौ होनी चाहिए, चाहे बेशक थोड़ी थोड़ी जलती हुई हो, और अगर ना हो तो किसी को देख के, किसी को समझ के इसको पैदा कर लें, और अगर किसी को देख के पैदा नहीं कर सकते हैं तो विपसना साधना में चले जाएं, वहां ये लौ दोबारा से जल जाती है, ना भी जले तो किसी साधु या किसी संत पुरुष जो इसमें एक्सपर्ट है उनके साथ रहें, पॉजिटिव बातों से ये जल जाती है, निगेटिव बातों से ये बुझ जाती है। तो जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो अच्छे काम करता होगा तो आपकी जीने की इच्छा ऑटोमेटिक अपने आप ही जल जाएगी, बढ़ जाएगी, उसमें लौ जल जाएगी। तो सबसे पहले इसका बीज होना चाहिए। अगर बीज आपको लगता है कि आपको जीने की इच्छा है और आप जीना चाहते हैं तो फिर काम मुश्किल नहीं है, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए जो भूमि तैयार करनी है, क्योंकि मन के लिए जो भूमि तैयार करनी है जहां इसमें बीज डालेंगे, वो भूमि बहुत साधारण तरीका है उसका, कैसे कल्टीवेट करना है। इसकी भूमि में आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे आप अगर कोई नशा पता करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा, कोई चोरी चकारी करते हैं तो वो छोड़नी पड़ेगी, कोई अगर आप झूठ वगैरह बोलते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, कोई व्यभिचार करते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई हत्या का मन में लाते हैं या सोचते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारे जो कर्म हैं, ये 5 सील के कर्म आते हैं, ये आपको अपनाने होंगे, और ये इसकी जमीन तैयार हो जाती है। जब ये जमीन तैयार हो जाती है तो उसमें ये बीज अपने आप ही पड़ जाता है, फिर ये उगना शुरू करता है। कैसे उगना शुरू करता है? जब आप ये बुराई छोड़ देते हो तो अचानक अच्छाई की जमीन तैयार हो जाती है, और अच्छाई की जमीन में जब ये बीज पड़ता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है आगे, क्योंकि इसके अंदर उर्वरक क्षमता आ जाती है, इसके अंदर उत्पन्न होने की क्षमता आ जाती है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इसको पानी धूप देनी पड़ेगी। पानी धूप देने का क्या तरीका है कि लगातार बुराइयां आपके पास आती रहेंगी, आपको उकसाती रहेंगी, कोई बीड़ी सिगरेट दिखाएगा, कोई शराब दिखाएगा, कोई व्यभिचार दिखाएगा, कोई रिश्वत दिखाएगा, कोई झूठ बोलना दिखाएगा, कहीं मन आपका उकसाएगा, कहीं ललचाएगा, कहीं कोई लालच आएगा, बीच बीच में ये आंधी तूफान आते रहेंगे। आपको हर बार ये कहना है कि नहीं, ये मेरे मन को खराब करेंगे, ये मेरे बीच को खराब करेंगे, ये मेरे जो बाग बगीचा उसको खराब करेंगे,
ऐसा सोचते ही वो चीजें सब गायब हो जाएंगी और आपका जो पौधा है, जो मन है, वो जम जाएगा उसमें, उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू होगा। इसके जो फल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे पहले तो आपको सुख आएगा, पूरा सुख चारों तरफ हो जाएगा, आपका सारे बुरी चीजें छूट जाएंगी, तो आपको किसी भी व्यक्ति से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। कोई बुरा व्यक्ति आपके पास में, कोई बुरा विचार लिए कोई आपके पास में आएगा ही नहीं। सच्चाई की ताकत होती है, बुरी चीजें सारी दूर रहेंगी। आपका समय बचेगा जो आपका परिवार में लगेगा, आपका स्वास्थ्य बचेगा जो आपको लंबी आयु देगा, आप किसी बेकार की बातों में नहीं लगेंगे तो आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका जो मन है वो जब स्वस्थ हो जाएगा तो आपका सोचने का क्षमता, सोचने का तरीका बदल जाएगा। फिर आप अपने परिवार के बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ खराब है हमारे लिए या ये चीज़ अच्छी है। ऐसा करते करते आपका परिवार पूरा अच्छा हो जाएगा और इसकी जड़ें आपके परिवार में भी चली जाएंगी। यानी ये जो बीज है ये खाली आप तक नहीं रुकेगा, इसकी जड़ें आपके परिवार में जम जाएंगी और आपके बच्चों में भी ये बीज अपने आप चला जाएगा, जड़ें चली जाएंगी और वहाँ पौधे अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे और खुशहाली चारों तरफ होनी शुरू हो जाएगी। इससे होता क्या है कि कोई आदमी जो आपको शराब का लालच देके आपका नुकसान करना चाहता है वो आपका नुकसान ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो आप शराब पीते नहीं। शराब पीने के लिए आप किसी के पास जाएंगे नहीं, पी के झगड़ा नहीं होगा तो मार पिटाई नहीं होगी तो थाना कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी, तो वहां से आप बच जाएंगे। पिएंगे नहीं तो आपका जो उधार पैसा है या जो आपने कहीं पैसा लेके किया है वो आपका बचा रहेगा। पिएंगे नहीं तो घर पर सही टाइम से आएंगे तो आपके परिवार की ख्याति चारों तरफ घूमेगी, तो आपके बीवी बच्चों में जब शादी करने के लिए कहीं जाएंगे अपने बच्चों की, तो वो रिश्ता बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका परिवार असत परिवार है, अच्छा परिवार है। अगर आप किसे झगड़ेंगे नहीं, आपको हिंसा नहीं करेंगे, तो आपको लोग सम्मान देंगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, हर जगह आपको पूछेंगे, आपको बैठाएंगे। ये सारी शक्तियाँ आते ही आपका मन डेवलप होना शुरू हो जाएगा और विचार आने अच्छे शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही अच्छे विचार आते हैं वैसे ही आप बोधि की तरफ, बुद्धत्व की तरफ, ज्ञान की तरफ ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वो ज्ञान की जो चादरें हैं जो रोक के रखती हैं इसको, जो पर्दे हैं, वो पर्दे सारे हट जाएंगे और ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहीं कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। मगर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर और अच्छी तरह से इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। इसको छोटे बच्चे से लेके और एक 80 साल 90 साल और जो मरने तक व्यक्ति है वो कर सकता है, सारी महिलाएं कर सकती हैं, सारे बच्चे कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो है कोई भूखा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, या कोई ऐसा जो मानसिक गुलाम है बहुत ज़्यादा और अपनी गुलामी को समझ नहीं पा रहा है, वो खेती नहीं कर सकता। जो मानसिक गुलाम हो चुका है और मानसिक गुलामी में ही गुलामी का आनंद ले रहा है और जिसको जीने की लालसा खत्म हो गई है, या कोई शरीर से बहुत ज़्यादा बीमार है और या कोई व्यक्ति भूखा है, भूखा व्यक्ति भी मन की खेती नहीं कर सकता, क्योंकि मन स्वस्थ नहीं होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा, भूखे आदमी का मन भूखा होता है। तो वो तीन तरह के लोग इसको नहीं कर सकते हैं। इस खेती का एक फायदा यह है कि जहां व्यक्ति इस खेती को करता है उसके आसपास अपने आप ही फसल लहरानी शुरू हो जाती है। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है, सच्चाई में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सामने जो बुराई है वो रुकती नहीं है, भग जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मनो सेठा मनो श्रेष्ठ है, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हर एक व्यक्ति का जो पहला एम है वो मन की खेती होनी चाहिए। मन की खेती का मतलब है कि मन को परिष्कृत और शुद्ध करना चाहिए, मन को बिल्कुल ठीक करना चाहिए, मन से सारी बुराइयां सारे व्यभिचारों को हटाना चाहिए, मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। अच्छे लोगों का मतलब है संघ में बैठना चाहिए, अच्छे बातें सीखनी चाहिए का मतलब है जो धम्म की बातें हैं, जो प्राकृतिक और अच्छी बातें हैं उनको सीखना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जब आप शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो अपने आप ही संघर्ष जब होगा तो उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। शराब पी के कोई आदमी अगर शराब का भाषण दे तो लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। अगर कोई करप्शन के ऊपर करप्शन करके करप्शन का भाषण दे, करप्शन हटाओ, या रिश्वत लेके कहे कि रिश्वत बहुत बेकार है, तो वो रिश्वत को कभी खत्म नहीं कर सकता। कोई आदमी 100 बार चिल्लाता रहे कि वो देश प्रेमी है, देशभक्त है, देशभक्त है, और कम तोले, रिश्वत ले, कमीशन ले, झूठ बोले, व्यभिचार करे, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि वो प्रचार भी कर रहा है और उल्टा काम भी कर रहा है। ऐसे आदमी बहुत कमजोर होते हैं, फूक मारते ही उड़ जाते हैं। अगर आपके मन की पावर सच्ची है, अगर आपने मन की खेती की है, मन का कल्टीवेशन किया है, जितने भी संत हैं वो सिर्फ मन के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को
और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।